हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ नवरात्रि स्पेशल काले चने की सूखी सब्जी, जो कि स्पेशली नवरात्रि में माता रानी के भोग में बनाई जाती है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अब बिना कोई देर किए इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। काले चने की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं आधी कटोरी चने, जिसको कि मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा हुआ था। आप देख सकते हैं किस तरह से चने फूल गए हैं, ये आधी कटोरी से एक बड़ी कटोरी हो गए हैं, जो कि वज़न में लगभग 50 से 100 ग्राम के बीच है। ये मैंने बड़ी आधी कटोरी चने लिए थे जो इतने ज़्यादा हो गए हैं। बस इसे एक से दो बार अच्छे साफ़ पानी से धो लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है कुकर, कुकर के अंदर हम ये सारे चनों को एक साथ डाल देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे ज़रूरत के हिसाब से पानी। मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी का यूज़ कर रही हूँ। हमें इन चनों को बहुत अच्छे से बॉईल करना है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट करना है इन्हें। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, इससे कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ये जल्दी से बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड करें, कम या ज़्यादा जो भी आपके कुकर में लगता है। बस आपको चने को बहुत ही अच्छे से पका लेना है। ये देखिए 20 मिनट बाद मैं आपको बता रही हूँ, 20 मिनट तक मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर बॉईल किया है और 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारे चने जो है कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से उबल गए हैं, बहुत ही अच्छे से मैश हो रही है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। जब तक आपके चने अच्छे से प्रेस ना होने लगे, अच्छे से ना पके, तब तक आपको उसको बॉईल करना है। हो सकता है आपके चने 15 मिनट में बॉईल हो जाए या फिर हो सकता है आपको 30 मिनट भी लग जाए। अब मैंने यहाँ पर ली है 2 हरी मिर्च और ये 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। इस तरह से हरी मिर्च को स्प्लिट कर लेंगे, बीच में से डिवाइड कर लेंगे और अदरक को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, ये एक छोटी चम्मच जीरा लिया है मैंने। अब हम मसाले तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जो कि लगभग 1.5 चम्मच के बराबर है, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, ये सूखा हुआ अमचूर पाउडर है, आप इसे ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ एवरेस्ट का छोला मसाला पाउडर 1/2 चम्मच। अमचूर पाउडर डालने से सब्जी कुछ खट्टी मीठी कुछ अच्छी सी बनेगी, बहुत टेस्टी सी। और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें, क्योंकि हमने चनों को बॉईल करते हुए भी उसके अंदर नमक ऐड किया था। बस अब इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, इसमें लहसुन प्याज का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये नवरात्रि में बना रहे हैं माता जी के भोग के लिए। इसीलिए अब जैसे ही कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी, हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल। अब हम ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये जीरा, हरी मिर्च और अदरक, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ये 1 पिंच हींग। इन सबको अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये सारे मसाले जो कि अभी हमने बनाकर तैयार किया था, और इसी के अंदर मैंने पानी डाल दिया है। अच्छे से पानी में इनको मिक्स कर लेंगे पहले, उसके बाद आप इसमें ऐड करें। डायरेक्ट सूखे मसाले आप ऑयल के अंदर न डालें, वरना आपके मसाले जो है वो एकाएक जल जाएंगे, फिर आपकी सब्जी जो है वो टेस्टी नहीं लगेगी। पहले आप मसालों को अच्छे से पानी में घोल लें, उसके बाद आप इसे डालें। और जब तक ऑयल इस तरह से मसाले से सेपरेट ना हो जाए, सरफेस पर न दिखाई देने लगे, तब तक आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएं। आप देख सकते हैं ऑयल किस तरह से अच्छे से सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये बॉईल किए हुए चने। बस अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसका ढक्कन लगाकर इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि हमने चनों को पहले से बहुत अच्छे से पका लिया था, बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया था। अब मुश्किल से 5 मिनट ही लगेंगे हमें। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑयल जो है चारों तरफ छूट गया है। बहुत अच्छे से हमारी सब्जी जो है बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं मसाले की कोटिंग कितने अच्छे से चने के ऊपर दिखाई दे रही है। बस हम इसमें फटाफट से हरा धनिया ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, और इसे मिक्स करेंगे और गैस बंद कर देंगे।
आप देख सकते हैं सब्जी का टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और बिना लहसुन प्याज के हमने इसे तैयार किया है, क्योंकि ये स्पेशली नवरात्रि में माता जी के भोग के लिए बनाई जाती है। जब भी आप अष्टमी की पूजा करें या फिर नवमी की पूजा करें, आपके जो भी पूजा करते हैं, जब भी आप कन्या को भोजन कराएं, तब आप ये काले चने की सब्जी अपने भोग में ज़रूर से शामिल करें। इससे कि माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस नवरात्रि आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।